तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली फ्लिपकार्ट वाली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में आपके साथ मैं भी इसमें अप्लाई करूंगा, तो मैंने इस जॉब में अप्लाई किया और इसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिस वजह से मेरी सिलेक्शन हुई, मेरे से क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे गए, HR ने मेरे से क्या बातें करी और मेरे इसमें सिलेक्शन कैसे हुई, वो सब मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो सके जब भी आप इस जॉब को अप्लाई करोगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी या अगर आप फ्लिपकार्ट की इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां मैंने आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो इस वीडियो के बाद जाके आप वहां अप्लाई कर देना ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको आसानी से आपकी 100% सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इस वीडियो को बिना देखे अप्लाई मत करना। तो यार, यहां पे मेरी सिलेक्शन कैसे हुई है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो लिंक था मैंने उसके थ्रू जाके अप्लाई किया, वहां पे जितने भी लिंक थे, जितने भी HR के नंबर थे, मैंने सबको अप्लाई किया ताकि मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। और उसके बाद मैंने हर HR के नंबर पे WhatsApp मैसेज किया कि आई सॉ योर जॉब पोस्ट ऑन naukri.com एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। मतलब मैं उनको बताना चाहता था कि मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूं। तब थोड़ी देर बाद HR का रिप्लाई आया कि थैंक यू, आपने हमारी जॉब को देखा, आपने इस पे अप्लाई किया। उनका थोड़ी देर बाद मेरे को फोन भी आ गया जिस पे उन्होंने मेरे से बात करी और तब शुरू होता है राउंड नंबर 1। तो पहले राउंड में क्या हुआ ये मैं आपको अब बता देता हूं। सबसे पहले HR का मेरे को फोन आया, जो उसने मेरे से मेरा नाम पूछा, मैं क्या करता हूं, अगर सपोज मैं एक्सपीरियंस हूं तो मैंने बोला मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, या अगर मैं फ्रेशर होता तो मैं बोलता मैं फ्रेशर हूं, मैं अभी 10th या 12th पास करी है, या मैं अभी कॉलेज में हूं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। तो ऐसे मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू नीड दिस जॉब, आपको ये जॉब क्यों चाहिए। तो उसका जवाब मैंने ये दिया कि मुझे इसकी अभी ज़रूरत है क्योंकि मुझे इनकम कमानी है और राइट नाउ मेरे को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कोई और मिलेगी। मतलब आपको मक्खन मारना उनको कि यही जॉब मेरे को चाहिए इस वक्त, ताकि HR को लगे कि हाँ इसको सच में चाहिए और इसलिए वो आपको फेवर करेंगे ज़्यादा, मतलब आपको कंसीडर करेंगे कि आप उनके लिए सही चॉइस हो। तो जो HR थे उनका अगला क्वेश्चन ये था कि क्या आप नाइट शिफ्ट कर लोगे। मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगा। क्या आपको हिंदी बोलनी आती है, मैंने बोला हाँ आती है। बेसिक इंग्लिश बोल लोगे, मैंने बोला हाँ बोल लूँगा। फिर एक उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा जो वो चेक करना चाहते थे कि मेरे को इंग्लिश बोलनी आती है बेसिक। तो क्वेश्चन था कि व्हाट यू डिड लास्ट लॉकडाउन, मतलब पिछले लॉकडाउन में आपने क्या किया था। तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया था कि आई वॉज डूइंग सम फ्रीलांसिंग वर्क एंड इट्स प्रीटी अमेजिंग फॉर मी टू डू ऑल सच काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज इट्स समथिंग न्यू फॉर मी। तो मतलब ऐसे सम 2 मिनट के लिए आपने कुछ भी बोलना है, आप कुछ भी बोलो, मैं बस ये बोल रहा हूँ रुकना मत, कंफ्यूज मत होना, हकलाना मत, ताकि जो सामने इंटरव्यू बैठा हो ना, इंटरव्यूअर जो HR है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, बस ऐसे इंटरव्यू देना आपको। तो यहाँ हो गया मेरा पहला राउंड खत्म। उन्होंने बोला ओके अक्षय, आपका राउंड अच्छा गया है, मैं आपका ट्रांसफर आगे अपने क्लाइंट इंटरव्यू के लिए कर दूंगा। आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप क्लाइंट से इंटरव्यू करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो मेरा पहला इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड राउंड पे। तो नेक्स्ट डे मेरे को सुबह सुबह कॉल आ गई HR की दोबारा से। उन्होंने वैसे पूछा कि अक्षय आप बता दो कि आप किस टाइम पे बैठ के बात करना चाहते हो हमारे क्लाइंट से। वो आपसे आपके हिसाब से टाइम पूछते हैं कि आपको दोपहर को बैठ ठीक लगता है, शाम को, रात को, मतलब जो भी हिसाब से आप फ्री हो गए आप बता देना। मैंने बोला कि मैं 4 बजे शाम को फ्री हूँ, मेरे से बात कर लेना। उन्होंने 3:30 बजे, मतलब 4 बजे मेरा इंटरव्यू था, 3:30 बजे फिर से मेरे को कॉल कर दी एक बार चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि मैं अवेलेबल हूँ, कि मैं कर सकता हूँ बात की नहीं। मैंने बोल दिया ठीक है मैं आपसे अभी बात कर सकता हूँ 4 बजे, मैं क्लाइंट से बात कर लूंगा। तो फिर 4 बजे मेरे को क्लाइंट की कॉल आती है। अब मैं आपको बता दूं, ये बात ध्यान रखना, क्लाइंट इंटरव्यू आपको जो जैसे नाम सुनने में लग रहा है क्लाइंट पता नहीं कौन होगा, कोई अंग्रेज होगा, नहीं, इंडिया का ही बंदा होता है या बंदी होती है, फीमेल मेल जो भी होता है, वही आपसे बात करते हैं और बहुत चिल होते हैं वो लोग, ट्रस्ट मी। मैंने दिया वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं आप सोच नहीं सकते, वो आपसे इतने फ्रेंकली बात करते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार फिर आती है क्लाइंट की कॉल। मैं अपना हेडफोन लेके बैठा हुआ था, मोबाइल से मैंने दिया, कोई झंझट नहीं होती, आप मोबाइल फ़ोन से भी दे सकते हो, आराम से हो जाता है, हेडफोन बस होना चाहिए ताकि आपको वॉइस क्लियर आए। तो मेरे को आई 4 बजे कॉल, मैंने उनसे बात करनी शुरू की। सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि इंट्रोडक्शन दे दो, तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बता देना आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप फ्रेशर्स है तो आप बताना आप फ्रेशर्स हो। मैंने अपने बारे में बता दिया मैंने जो जो काम किया है। सेकंड क्वेश्चन आया अपनी हॉबी बता दो कि आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबी क्या है। मैंने बता दिया कि मेरे को ये करना अच्छा लगता है। सपोज आप में से बहुत लोग होते होंगे कि जिनको मूवीज देखना पसंद है, जिनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है या स्पोर्ट्स देखना पसंद है, बस आपको वो सब बताना है कि आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट और फुटबॉल या आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब आती है एक मेन बात, जो मेन क्वेश्चन होता है इस कंपनी का, बिकॉज ये फ्लिपकार्ट है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो जो
जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी बिहाफ पे होते हैं, उसी के बेसिस पे होते हैं। तो इन्होंने फिर मैं से पूछा कि सपोज अगर कोई रूड कस्टमर आता है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके लायक हो भी या नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है वो ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले आपको उस कस्टमर को लिखना है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। उसको बस ये बोल देना है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, गलती हमारी है, हम अपनी तरफ से इसको देख रहे हैं कि आपका इशू क्यों आया और हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, ताकि उसको तसल्ली मिल जाए कि हाँ मेरे काम को, मेरे इशू को सुन लिया गया है और ये ठीक हो जाएगा। बस इतना ही होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया राउंड क्लाइंट का खत्म। इस राउंड में मैं फिर से आपको दोबारा से बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, डरना मत। डर के क्या होगा, कुछ भी नहीं, आपका जॉब इंटरव्यू खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरा हो गया क्लाइंट इंटरव्यू कंप्लीट। 2 मिनट बाद मेरे को जो एचआर थी, जो मेरे को सुबह से फोन कर रहे थे, उनका मेरे को फोन आ गया कि अक्षय आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दी हैं जो मेरी उनसे बात हुई थी। यहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया था फ्लिपकार्ट में, और यहाँ पे इन्होंने मेरे को सारे लिंक्स भेजे थे कि आगे मेरे को कैसे आगे काम करना है। तो यहाँ पे जो आप लिंक देख सकते हो, इनमें है कि एक गूगल फॉर्म होएगा, उसको आपको भर के उनको रिप्लाई कर देना साथ के साथ। ये सब आपको व्हाट्सएप पे ही आएगा, टेंशन मत लेना कि आपको कहीं और किसी और तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और लिंक है जो कि है मीटिंग का, मतलब वहाँ पे जिन जिन लोगों की सिलेक्शन हो जाती है उन सबको एक मीटिंग में ज्वाइन करना होता है। वहाँ पे एक एचआर बैठा होता है या बैठी होती है, वो आप सभी लोगों से एक वीडियो कॉल करेगी, वो आपको सब बताएगी कि कंपनी में कैसे काम करते हैं, कितनी सैलरी है, कितनी लीव्स हैं। ऑफिशियली आपको आपकी लेटर दी जाएगी और वहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका काम अगले दिन या कब से शुरू होगा। तो बस ध्यान से सब कुछ कर लेना जैसे मैंने आपको इसमें बताया। मेरी सिलेक्शन हुई है ऐसे, और मैं आपसे कम से कम 99% श्योर हूँ कि आपसे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि इस जॉब में अप्लाई करना, तो मैंने यहाँ पे आई बटन में उस जॉब का लिंक डाल दिया है फ्लिपकार्ट का। इस वीडियो को समझने के बाद, देखने के बाद आप उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपकी सिलेक्शन और आसानी से हो सके। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, मेरी कैसे सिलेक्शन हुई यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोग ऐसी जॉब्स और वीडियोस को मिस ना करें कभी भी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, हम आपके साथ साथ, हम भी, मैं और मेरा भाई, हम दोनों मिलके इन जॉब्स को अप्लाई करते रहेंगे, ताकि हम लोग बता सकें कि कंपनी वाले हमसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारा एचआर राउंड कैसे जाता है, हम उसमें क्या जवाब देते हैं और हमारी सिलेक्शन कैसे होती है। तो अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, एक नई जॉब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।